बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को। नया संसद भवन का नाम बाबा साहेब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के नाम से होगा या नहीं, इसी को लेकर बहुजन समाज के व्यक्ति आखिर क्या कुछ कर रहे हैं, आखिर बहुजन समाज के व्यक्तियों की आखिर क्या कुछ मांग है नए संसद भवन को लेकर, आखिर बहुजन समाज के व्यक्ति नए संसद भवन में क्या चाहते हैं और क्या कुछ होना चाहिए नए संसद भवन में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास अवश्य पहुंचा दें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, नया संसद भवन की नींव रख चुकी है। नए संसद भवन की नींव का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। साथियों, हम आपको बता दें कि इस समय एक बहुजन समाज के व्यक्तियों में एक सवाल बहुत ही ज्यादा तेजी से गूंज रहा है, जिस तरीके से जो पुराना वाला मौजूदा जो संसद भवन है उसमें जिस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियां लगी थी, तस्वीरें लगी थी, और जिस तरीके से महापुरुषों की जो मूर्तियां जगह जगह पर लगी थी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति भी स्थापित है मौजूदा संसद भवन में, क्या इसी तरीके से नए संसद भवन में भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी व अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगेंगी या नहीं। साथियों, खबरों के अनुसार बताया ये भी जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति नए संसद भवन में नहीं होगी। पर साथियों, इसी को देखते हुए बहुजन समाज के व्यक्ति एक नई मांग कर रहे हैं। साथियों, बताया जा रहा है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ नहीं लगेगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर साथियों हम आपको बता दें कि बहुजन समाज के व्यक्ति चाह रहे हैं कि नए संसद भवन का जो नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से हो। साथियों, इसी को लेकर बहुजन समाज के व्यक्ति दिल्ली में जंतर मंतर पे कैंडल मार्च निकाल रहे थे। उदित राज के संग बहुजन समाज के व्यक्ति मैदान में उतर चुके हैं। लगातार आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। बहुजन समाज के बाद उदित राज की ये मांग है कि नए संसद भवन जो बन रहा है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से हो। तो साथियों, आप अपनी कमेंट में राय देना, आखिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से नए संसद भवन का नाम हो या नहीं, आप अपनी कमेंट में राय देना। और जिस तरीके से मौजूदा संसद भवन में जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसी तरीके से जो नए संसद भवन में उसमें भी लगे हैं या नहीं, आप अपनी कमेंट में राय देना। और अब देखिए, आखिर उदित राज के जो बहुजन समाज के व्यक्ति हुआ उदित राज के साथ जो आंदोलन करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से हो, आखिर वो क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ वो नारे लगा रहे हैं मैदान में उतर कर। साथियों, देखिए ये वीडियो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, हरी बिल्ली का लब बाबा का लब पे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्ली का लब बाबा साहब का लब पे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, आप अपनी कमेंट में राय देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करना। अपनी कमेंट में राय ये अवश्य देना कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए या नहीं, ये आप अपनी कमेंट में राय अवश्य देना। जय भीम, जय भारत। मैं विशाल।